हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवमेंट इन ऑल। मैं हूं आपके साथ नम्रता। थोड़ा सा वीडियो सेंड अपलोड करने में लेट हो रहा है डियर, माफ़ कीजिएगा। अभी मेरे आवाज़ से भी आप लोगों को पता लग रहा होगा मेरी तबीयत ख़राब हो गई है डियर। तो ये मैं 30 सितंबर का आपको दिखा रही हूँ, यानी कि घर जाने की तैयारी है दुर्गा पूजा में। तो ये 30 सितंबर की शाम है। दिन भर मैंने क्या किया था डियर, मैं आपको आगे बताऊंगी। दिन भर मैं परेशान रही, वो तो आपके आपको मेरे वेशभूषा से ही पता चल रहा होगा। तो अभी ये जो साड़ी मैं पिको कर रही हूँ, ये मैंने बेटी के रस्म या छठी का जो रस्म हुआ था उसमें पहना था। तो हम लोगों में क्या होता है कि जो साड़ी पहन के आँख रंजाई का रस्म होता है, वही साड़ी पहन के दिन बनाने के समय मायके में जाने के लिए दिन बनता है। अगर आप बच्चा लेके जाते हैं तो वही छठी वाला साड़ी पहन के जाया जाता है। तो मम्मी लोग कहती है दसवीं को दसों दास द्वार खुला होता है, अगर दसवीं को आ जाओ तो अच्छा रहेगा। साड़ी पहनने की जो है थोड़ा सा है हैवी, अगर ये बिना कॉल का भी थोड़ा चल सकता है, लेकिन उसमें ज़रूरी है। पहले मायके में लगाऊंगी, इसमें किसको नहीं हुआ था, पहले किसको कर लिया है। दसों द्वार खुला रहता है वैसे, फिर देखना पड़ेगा कौन सा दिन सही है। और फिर बीच में कुछ प्रोग्राम फंक्शन शादी वगैरह हो तो नहीं आ पाओगी, इसलिए आ जाना। लेकिन मेरे हस्बैंड थोड़ा नाराज़ थे और इनको फुर्सत भी नहीं था, तो ये बोल रहे थे कि नहीं जा पाऊँगा, फिर भी बाय चांस साड़ी तुम ले लो। तो इसीलिए मैंने सोचा तो बहुत था, बहुत ब्लाउज भी सिलना सोचा था डियर, लेकिन फिर मन बनाया कि मेला वगैरह घूमने नहीं जाऊँगी और ये साड़ी पहन के अष्टमी के दिन पहन लूँगी। तो इस साड़ी में मुझे फॉल लगाना था और मैंने पूरा फॉल ढूंढ लिया। अभी मैं फॉल ही ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कभी कपड़ा इधर से इधर इधर से उधर। वो तो आप लोग भी जाते आते होंगे कहीं तो समझ में आता होगा कि कितनी परेशानियाँ होती है, कितना परेशानी का सामना करना पड़ता है। और खाना भी बनाइए, किचन का भी टेंशन होता है। मैंने पूरा फॉल ढूँढ लिया, कहीं फॉल नहीं मिला। और बीच बीच में यहाँ पर मैंने आलू पालक की सब्ज़ी भी चढ़ा दी थी, सारा बर्तन भी बीच बीच में धो लिया था। मतलब मैं कैसे मैनेज करती हूँ मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। किचन भी मैनेज करना होता है, उधर भी देखना होता है। अब मैंने पूरा फॉल ढूंढ लिया, मुझे मिला नहीं है। मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे पहुँचने में भी आधा घंटा का समय है। मैंने सोचा मैं सब्ज़ी बनाकर रख लेती हूँ, बर्तन वर्तन धो लिया है, रोटी बनाकर रख लिया है, वो आएँगे तब सलाद वलाद अगर हो से होगा तो काटूँगी, नहीं तो मैं छोड़ दूंगी। रोटी भी बना लिया है मैंने, ऊपर तो भी देख रहे हैं कितना मैसी है। तो मैंने किचन का लाइट बंद कर दिया, किचन का काम निपटा के फिर से अपने काम में आ गई। तो मैं यहाँ पर फॉल ढूंढ रही हूँ और किसी भी कीमत पर मुझे अभी फॉल मिला नहीं। और ये लाल वाला जो फॉल है तो हिम्मत अब मुझे नहीं हुआ कि उस साड़ी में लगाऊँ, क्योंकि उसका किनारा मोटा था तो मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा चलो अब कल जो है इस साड़ी में लगाऊँगी। मतलब हर काम को इतना आज निपटा के कल करना है, इस तरह करते करते पहले तो लगता है क्या कि चलो अभी बहुत समय हो जाएगा, आराम से चले जाएंगे, लेकिन इतना काम होता है। और सिलाई का काम कंप्लीट करने के बाद अब मैं यहाँ पर करूँगी आयरन, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो अपना ड्रेस दे देते हैं आयरन करने, बेटा का भी दे देते हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी दुर्गा पूजा चल रहा है, मैं अपने बेटे का कपड़ा बाहर नहीं जाने दूंगी और अपना मेरा जो पेटीकोट ब्लाउज नाइटी वगैरह जो भी है हल्का फुल्का कपड़ा मैं कर लूंगी। एक बात तो है, परेशानी थोड़ा होती है, जान पे पड़ ही जाता है। लेकिन अब देखिए मेरा किचन का भी काम निपट ही गया है, इधर भी मैंने लगभग सारा चीज़ कर ही लिया, तो अब बस आयरन है। तो मैंने सोचा चलो टीवी देखते जाएँगे और आयरन करते जाएँगे, तो इसीलिए मैंने सोचा अब मैं कर ही लेती हूँ। तब यहाँ पर मैं आयरन करने की तैयारी कर रही हूँ और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी बेटी रो रही है। तो डियर जो भी चैनल पर नया है चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो तो पसंद आना ही है क्योंकि मैं इस वीडियो में ईमानदारी से अपना मेहनत दिखाती हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। और यहाँ पर अब मैं एक एक करके पेटीकोट वगैरह में आयरन कर रही हूँ, क्योंकि मैं क्या लूँगी, कितनी साड़ियाँ लूँगी, ये सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सात पूजा कल है, आज तो पाँच पूजा, आज है शुक्रवार, है शुक्रवार की शाम है तो आज पाँच पूजा है, कल छः पूजा होगा, रविवार को सात पूजा है। सात पूजा की 4 बजे शाम में ट्रेन है हम लोगों का पटना जंक्शन से भागलपुर के लिए, और सात पूजा के रात में ही पहुंच जाएंगे। और फिर 8 पूजा 9 पूजा 10 पूजा 11 पूजा रहेंगे, 11 पूजा की रात में आएँगे। तो वहाँ का भी ज़रूर शेयर करेंगे डियर, देखती हूँ हिम्मत दे भगवान मुझे। मतलब मुझे यही लगता है मैं कैसे कदम रखूंगी बिना सास के ससुराल में जीवन में पहली बार। तो यहाँ पर मैंने टीवी ऑन कर दिया है, थोड़ा न्यूज़ वगैरह देख लेती हूँ। बेटा भी अपना होमवर्क वगैरह कर रहा है क्योंकि फिर इसका भी स्कूल अब बंद हो गया है, फ्राइडे को पढ़ाकर बंद हो गया है, तो शुक्रवार शनिवार आज और कल है, तो ये कर लेगा अपना। उसके बाद फिर अब हम लग गए हैं अपनी तैयारी में। तो कहीं जाइए, जहाँ जाइए, जैसे कि मैं तो अभी घर जा रही हूँ, मायके में उतना टेंशन नहीं है। अभी तो मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, तो जब सास रहती थी तो टेंशन नहीं होता था,
अभी अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है वहाँ क्या क्या व्यवस्था होगा, वो तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और फिर वहाँ से आइए तो टेंशन है, अगर किचन में आप बर्तन छोड़ के जाते हैं तो किचन महकने लगेगा, घर बिखरा छोड़ के जाते हैं तो आपके दिमाग में वो रहेगा। तो अभी कितना कुछ करना होता है और इतना लोग करते करते थक जाएगा। तो आप लोग भी कमेंट कर जरूर बताइएगा क्या आप लोग भी इतनी परेशानी का सामना करना करते हैं, सामना करना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं आपके बारे में बिल्कुल करना पड़ता होगा, क्योंकि भाई सब लोग नॉर्मल ही होते हैं, सबको ये परेशानी इतनी परेशानी का सबको करना होता है सामना। जिनको शौक है हर चीज़ मैचिंग पहनने का, बढ़िया पहनने का, अपना भी केयर करिए, बच्चे का भी करिए, सब कुछ है। कहीं कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेरी दीदी लोग ही बोलेगी कैसे तुम इतना इस तरह कर लेती हो, अगर मैं करती हूँ तो बच्चे ऐसे हो जाते हैं। लेकिन मैं सबका ध्यान रखती हूँ, वो मेरे हस्बैंड कल क्या पहनेंगे, मेरे बच्चे कल क्या पहनेंगे, बेटी क्या पहनेगी, एक एक चीज़ मैं सोच सोच कर और जोड़ जोड़ कर लेती हूँ। वो तो अभी आपको आगे पता चलेगा, सब कुछ मैं दिखाऊँगी आप लोगों को। तो बने रहिएगा इस चैनल पर। और यहाँ पर मेरा लगभग हो गया है आयरन, और आयरन होने के बाद अभी डोर बेल भी बज गया, यानी कि वो आ गए हैं। तो अब मैं किचन चलूँगी और यहाँ पर अब मैं सलाद काटूँगी, जब तक वो पैर हाथ धोएंगे तब तक मैं सलाद काटूँगी। और खाना गर्मा गर्म सब्ज़ी, आलू पालक टमाटर की रोटी में घी भी लगा लूँगी और खाना लगाऊँगी, उसके बाद मैं आप लोगों से आगे मिलूँगी। और यहाँ देखिए कितना अंकुरित हुआ है मूंग और चना, और रोटी के साथ ये बहुत ही अच्छा खाने में लगेगा और बहुत ये हेल्दी फूड भी है। और अब यहाँ पर मैं खाना लगा रही हूँ, ये भी आ गए हैं वाशरूम से, बेटी मेरी सोई है, बेटी का भी मसाज बीच बीच में करना होता है, बहुत परेशानी है यार। तो अब खाना पीना खा के अब तो आराम ही करूँगी, वो कुछ करने नहीं देंगे क्योंकि आज मैंने विशेष में कर लिया है। तो अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवमेंट इन ऑल, मैं हूं आपके साथ नम्रता। और आज दिन है शनिवार, तो कल जैसे कि आपने देखा कल दिन भर मैंने क्यों नहीं वीडियो शूट किया, तो दिन भर मतलब कि पूरा इस रूम में मैंने बेडरूम में सारी कुर्ती जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, बहुत सारी कुर्ती मैंने पिछले साल लिया था, उसके बाद तो मैं कंसीव कर गई तो कोई आ नहीं रहा था, तो सब कुर्ती मैंने नाप नाप कर देखा मुझे कौन आ रहा है जो कि मैं पहन के जाऊँ। बस एक जो पहन के जाऊँगी वही पहन के आ जाऊँगी, बाकी तो चार दिन रहना है तो साड़ी ही पहनना है। तो कुर्ती वगैरह नाप के देखा कोई फिट नहीं आ रहा था, उसके बाद सब फोल्ड करके रखा, पूरा घर अच्छे से अरेंज किया, क्योंकि कहीं जाइए तो घर इस तरह बिखरा हुआ छोड़ के इस तरह जाने से अच्छा नहीं लगता है। दिन भर मैं इसी काम में परेशान रही, पूरा कपड़ा अलग कर करके रखा कि क्या लेके जाना है क्या नहीं। उसके बाद खाना पीना बनाने के बाद तब फिर मैं धीरे धीरे आयरन करने में लगी। पिंक वाली साड़ी में फॉल लगाती, कल ही लगा लेती लेकिन मिला ही नहीं, फिर जाके सुबह मिला वो साड़ी। तो अब अभी जो है आज शनिवार है और समय लगभग 11:30 हो रहा है, तो जल्दी जल्दी खाना पीना खाया। वो आज लेट से गए, आज उनका ऑफ था, वो बोले थे कि आज नहीं जाना है, लेकिन उनको जाना पड़ा इसीलिए कि बोले कल ही ऑफ ले लेता हूँ तो अच्छा रहेगा, आराम से निकलेंगे। और ये चूड़ी मैंने अभी तक चेंज नहीं किया, मुझे लाल पीला इतना अच्छा लग रहा है हाथ में कि मैंने इसको चेंज ही नहीं किया है। अभी मुझे कॉस्मेटिक का सामान भी पूरा समेटना है, लहठी वगैरह भी सेट करना है, लेना है कौन कौन से कलर के साड़ी, कम ही लेकर जाऊंगी, ज़्यादा इस बार लेकर कुछ नहीं जाऊंगी। मैके जाने की बात है, हम लोगों में 10वीं को बच्चे का दिन बनता है, नया बच्चा लेके अगर आप जाते हैं तो अच्छा दिन देख के, तो कहा जाता है 10वीं को 10वें द्वार खुला रहता है, तो सोचा है लेकिन बहुत परेशानी में पड़ जाऊँगी। ये बोलते हैं बस आधे घंटे के लिए जाना है, अब बताइए मुझे तो कार पर उल्टी वगैरह भी होने लगता है, कैसे जाऊंगी सब। तो आप लोगों के साथ प्रयास करूंगी शेयर करने का। तो फिर अभी जल्दी जल्दी आज तो मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, मैं इतना लेट से उठी कल, इतना जो मैंने किया मैं एकदम परेशान हो गई। कल मैंने इतना काम कर लिया मैं बहुत परेशान हो गई, सुबह उठने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन कल अधिक से अधिक कामों को निपटा दिया था।
तो मैं सो कर उठी हूँ 7:30 बजे और उसके बाद आधा घंटा तक बेड पर लेटी रही। बेटा वो भी बेटा जाके बेटा गया, बेटा ने उठा दिया, वो अपने पापा के पास सोता है। बेटा उठाया, फिर बेटा को मैंने कहा थोड़ा पैर दबाओ बेटा, तो सब कुछ स्लो स्लो ही हुआ। तो 11:30 बजे निकले, खाना पीना सब कुछ हो गया, यानी किचन से मैं निश्चिंत हूँ। खाना खाने में थोड़ा लेट हुआ और गई बेटी को कि मसाज कर दूँ और उसको नहला दूँ, लेकिन वो बहुत देर से जगी हुई थी तो बस उसको फीडिंग कराते समय ही वो सो गई। तो आज तो उसको मैंने मसाज भी दोबारा नहीं दिया, उसको नहला भी नहीं पाई। तो आज पहली बार उसको बिना नहाए छोड़ूंगी। अब मैं लगूंगी पैकिंग में, तो आपको मैं दिखाती हूँ। अब ये देखिए, ये पूरा मैंने रात में ही आयरन करके रखा है। ये बेटी का है, ये सब मेरा है। इसमें ही मैंने ये सोचा था फॉल लगाने, लेकिन जब देखा इसका किनारा जो है थोड़ा मोटा है, तो ये बिना फॉल का चल सकता है, लेकिन पिंक वाले में लगाऊंगी। बाकी सब आयरन करके मैंने ले लिया है। ये ब्लाउज वगैरह ये मेरे बेटा का है, उस उधर मेरा सारा पेटीकॉट है, ये सारा मेरा है, ये बेटी का। इस तरह मैं सारा चीज़ अलग अलग कर लेती हूँ, उसके बाद रखती हूँ। तो चलिए अब रखना शुरू करते हैं। डियर चैनल पर जो भी नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। और एक कॉर्नर में आप देख रहे हैं मैंने उस टेबल को उठा के ऊपर रख दिया, जिससे कि जगह बची रहे। चलिए डियर, मिलते हैं आगे।